हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कच्चे आलू से बनी क्रिस्पी कचौड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा 2 कटोरी, 4 कच्चे आलू कद्दूकस किए हुए, इन्हें मैंने अच्छे से छील के कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच मंगरेल यानी ऑनियन सिल्ट। ऑनियन सिल्ट डालने के बाद अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच। इसके बाद 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला सेम 1/2 छोटा चम्मच ही डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जितने भी नमक मसाले हैं आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें इस तरीके से तेल डालेंगे, छोटी कटोरी से 1/2 कटोरी तेल डाला है मैंने इसमें। अब तेल में इन सभी मटेरियल्स को मिक्स करते हुए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका डो बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है जैसे हम कचौड़ी का डो तैयार करते हैं। ये हमारा डो अच्छे से तैयार हो रहा है, इसे हम और अच्छे से गोल ताकि हमारी कचौड़ियाँ क्रिस्पी और फुली फुली तैयार हों। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल हम उतना ही लेंगे जितना हम पूड़ी बनाने के लिए तेल को लेते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से हम पूड़ियों को बेल लेंगे। मैं अकेले वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए मैं हर एक चीज़ का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैंने पहले से बेल के रखी थी पूड़ियाँ। अब हम इसे इस तरीके से उठाते हुए हम इसको गर्म तेल में डालेंगे। ये देखिए पूड़ियाँ हमारी किस तरीके से फूल रही हैं। अब हम इसे अच्छे से लाल कर लेंगे एक साइड से। जब ये एक साइड से लाल हो जाएगी तब ये हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। अब हमें इस पूड़ियों को दोनों ही तरफ से अच्छे से लाल कर लेना है, गोल्डन ब्राउन, ताकि ये पूरी तरह क्रिस्पी हो जाए। ये हमारी कचौड़ी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लाल हो चुकी है। अब हम इसका सारा तेल कढ़ाई में निकालते हुए इस तरीके से सारे तेल को हम निकाल लेंगे कढ़ाई में और कचौड़ी को एक साइड प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से लाल और कुरकुरी कचौड़ी निकली है। ये हमारी कच्चे आलू से बनी स्पेशल कचौड़ी बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं कितनी क्रंची और क्रिस्पी टाइप की है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।